नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार और मैं आपके साथ ज्योति राघव। ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जल जीवन मिशन घोटाले पर ईडी ने 20 से ज्यादा घोटाले पर ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की है। ईडी ने कार्रवाई करते हुए पीएचडी विभाग के एसीएस सुबोध अग्रवाल के शासन सचिवालय स्थित कार्यालय सहित एक आरएएस पीएचडी अधिकारी और ठेकेदारों के ठिकानों पर भी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत ईडी ने राजस्थान के कई जिलों में यह कार्रवाई की है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों के अधिकारियों की टीम जांच कर रही है। जल जीवन मिशन के घोटालेबाजों के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। सचिवालय स्थित आईएएस सुबोध अग्रवाल के ऑफिस को ईडी के अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। इतना ही नहीं, स्टाफ का मोबाइल फोन जब्त करने की भी जानकारी मिल रही है। मंत्री महेश जोशी के स्टाफ कक्ष में भी सर्च जारी है। सचिवालय के रूम नंबर 4119 में रिकॉर्ड को जब्त किया गया है। मंत्री महेश जोशी के स्टाफ का कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और कई दस्तावेज भी ईडी के अधिकारियों ने बरामद किया है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार।